अमरनाथ यात्रा बारिश की वजह से रुकी। बताते चले कि कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी, पर रात में तेज बारिश और सुबह में भी हुई बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा रुकने से हजारों श्रद्धालु पहलगाम बेस कैंप के अलावा होटल में रुके हुए हैं। वहीं कई ऐसे यात्री हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराए हैं। वह लोग भी आज सुबह से ही हेल्थ सेंटर में पहुंच रहे हैं। हेल्थ सेंटर में सुबह 4 बजे से ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि सुबह के 6 बजे और लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो यात्रा को जल्द सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह का मौसम है उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की यात्रा स्थगित कर दी गई है। पहलगाम से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं पहलगाम में और यहीं से यात्रा शुरू होती है और यहाँ से चंदनबाड़ी के लिए यात्रा निकलती है, लेकिन आज बारिश की वजह से यात्रा रोक दी गई है। अभी रात भर काफ़ी बारिश हुई है, सुबह तक बारिश था और बारिश की वजह से यात्रा रुकी हुई है। और आप देख सकते हैं कि कन्वेंशन सेंटर में लाइन लगा हुआ है, लोग यात्रा पर्ची बनाने के लिए, कहे कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं और वो लोग कुछ मेडिकल, सिर्फ मेडिकल या कहें तो कुछ मेडिकल बना के भी आए हैं और ऐसे में ये लोग लाइन लगे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन लोग का रजिस्ट्रेशन हो। और रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी लाइन लगी हुई है, सुबह 4 बजे भोर से लगी हुई है, अभी तक खुला नहीं है और काफ़ी भीड़ है और यही भीड़ देखने को यहाँ मिल भी रही है। और देखते हैं आगे जैसे जैसे समय बीतेगा और भीड़ बढ़ेगी, लेकिन ये बता दें कि आज यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी है। हो सके अगर मौसम ठीक ठाक रहता है तो एक आध 2 घंटा में निर्णय लिया जाएगा कि यात्रा चलेगी या बंद रहेगी। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन, आपके साथ, आपके लिए। फ्रॉम द हाउस ऑफ सांध्य दैनिक बिरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।